इस पार्क के इर्द गिर्द बहुत ग्रीनरी है, लर भी नहीं है ये। 200 यन का यहाँ से इनका फूड मिलता है। यू आर ब्यूटीफुल, हाउ कैन वी से इन उमरवा खवाई। तो ये हिरन इतना भूख है, इसको इतनी भूख लगी है कि इसने हमारा आधा मैप खा लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर कास्टिक। तो हम लोग जापान में मौजूद हैं और आज मैं अनाया के साथ हूँ। अनाया, हम किधर आए हैं? हम डियर देखने। हम डियर देखने आए हैं नगोया से, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है नारा में। नगोया से नारा नेशनल पार्क का रास्ता बहुत खूबसूरत है। सफर के दौरान आपको दिलकश पहाड़ियाँ, जंगलात और देहात देखने का मौका मिलेगा। जापान तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन यकीन माने इस रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मुझे जापान की जो खूबसूरती देखने को मिली है वो मैंने आज तक पूरे जापान में कहीं नहीं देखी। हम लोगों ने नारा नेशनल पार्क पहुँचने से 10 मिनट पहले ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग सस्ती थी। सारे दिन की पार्किंग की प्राइस 900 यन थी, और अगर आप नेशनल पार्क की मेन पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे तो उसकी प्राइस तकरीबन पूरे दिन की 2000 यन होगी। ये देखिए, इधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है, लेकिन पीछे बंदा भी खड़ा हुआ है और वो गाड़ियों को स्टॉप कर रहा है कि जो पैदल गुजरने वाले हैं उनका ख्याल रख पाए। इधर बहुत सारे हिरन आपको मिलेंगे और आप उनको अपने हाथों से फीड भी करवा सकते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। मैं मछली को भी फीड करवाती थी। आप मछली को भी फीड करवाओगी? अनाया, आप इधर आई हुई हो पहले? हाँ जी, आई हुई हूं मैं। अगर आप लोग नेचर को पसंद करते हैं तो आपको ये जगह अच्छी लगेगी, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। नहीं जा रहा इस रूट में। चला नहीं जा रहा? क्यों नहीं चला जा रहा? अरिगातो अनाया। अनाया, टीच मी अ जापानीज वर्ड प्लीज। हाउ कैन आई से यू लुक ब्यूटीफुल? Or you are beautiful. बताए ना? You are beautiful. How can we say in Japanese? So आप लोगों ने कभी इतने पास से हिरन देखे हैं? Anaya, they are so cool. Go. Show us the hiren. Ask them what's their name. ये नया क्राउड है। मामू मामू नहीं, अगर खाएंगे तो वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। मामू खुद खा गया। लर भी नहीं है ये। तो इन हिरन को अगर आप लोगों ने खाना खिलाना है तो 200 यन का यहाँ से इनका फूड मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं और इनको आप फीड कर सकते हैं, और सारे हिरन आप लोगों के पास आएंगे। नहीं मारता, जो पास तो जाओ ना। ये देखा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं कहते, इस तरह तो नहीं ना करते। चलो इस, तो मैं डर तो नहीं ना रहा, वो खा गया मैं क्या करूं। तो ये हिरन इतना भूख है, इसको इतनी भूख लगी है कि इसने हमारा आधा मैप खा लिया है, और हमें पता ही नहीं है कि अब हम क्या करें। इसको भी डर लग रहा है ना पास जो? नारा नेशनल पार्क का शुमार जापान के पुराने और खूबसूरत पार्कों में से होता है। इस पार्क का रकबा तकरीबन 500 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है, और यहाँ जापान के कदीम तरीन मंदिर भी मौजूद हैं। इनमें तोदाई जी मंदिर खास तौर पर मशहूर है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कांसी का बुद्धा मुजस्मा मौजूद है। लेकिन अगर आप लोग टेम्पल को विजिट करना चाहते हैं तो कुछ टेम्पल्स की एंट्री फीस होगी जो आप लोगों को देनी पड़ेगी। कुछ टेम्पल में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, इसलिए हम उन टेम्पल्स में नहीं जा सके।
इस पार्क में घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। इस पार्क के इर्द गिर्द बहुत ग्रीनरी है और बहुत से खूबसूरत बागात भी हैं। यहाँ पे आके आप लोग कुदरती मनाजर का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो नारा नेशनल पार्क में आपको नारा नेशनल म्यूजियम भी मिलेगा, जहाँ पे आप लोग जापान की बुद्ध मत की आर्ट और सकाफत की नयाब चीजें देख सकते हैं, और इस म्यूजियम में भी जाने की टिकट लगेगी। मेरे लिए यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे आके हिरन देखना था, जो कि बिल्कुल आजादाना तौर पर घूमते हैं और सियाहों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। आप लोग इन हिरनों से जितना मर्जी चाहे खेल सकते हैं और जैसे मर्जी चाहे पिक्चर्स या वीडियोस बना सकते हैं। इस नेशनल पार्क में तकरीबन 1200 से ज़ायद हिरन पाए जाते हैं और मकामी लोग इन हिरनों को शीका कहते हैं। अगर यहाँ पे आप इन हिरनों को बिस्किट देते हैं, इसका फ़ायदा तो ये है कि बहुत से हिरन आपके पास आ सकते हैं और आप उनके साथ खेल सकते हैं और अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप लोगों के पास बिस्किट्स थोड़े हैं तो ये हिरन बहुत चलाक हैं, ये फ़ौरन वापस भाग जाते हैं आप लोगों को अकेला छोड़ के। और माइंड में रखिएगा कि ये बिस्किट्स देख के आपकी तरफ इस तरह ग्रुप में भागते हैं कि कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगेगा और कभी कभी इनसे बचना भी पड़ सकता है। मुझे नारा नेशनल पार्क को अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग जापान में रहते हैं या जापान को विज़िट कर रहे हैं तो ये एक मस्ट डू एक्टिविटी है, आपको इधर लाजमी आना चाहिए। और अगर आपके साथ आपके छोटे बच्चे हैं तो यकीन माने ये वाली एक्टिविटी उनके लिए सबसे बेस्ट है, वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं और खेल सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको नारा नेशनल पार्क कैसा लगा और आप में से कौन कौन से लोग यहाँ पे आके इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।